तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीपी प्लस का ये जो कैमरा है फ्लूड लाइट कैमरा, जिसका मॉडल है सीपी F41A, आप इसको सेटअप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसे मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए बताऊंगा कि आप मोबाइल में कनेक्ट कैसे करते हैं, ऐप के अंदर कैसे ऐड करते हैं, पूरा डिटेल में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं फाइनली इसका सेटअप कैसे किया जाएगा। तो जो ऐप है दोस्तों वो है इजी कैम प्लस, वो आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैमरा को हमने केबल से कनेक्ट कर दिया है। कैमरा के जस्ट पीछे इस साइड में आपको यहाँ पे तीन केबल देखने को मिल जाता है, जो कि है प्लस माइनस एंड ग्राउंड, यानी ये पूरा एसी करंट पे फंक्शन है, आपको इसमें डीसी करंट नहीं देना है। इसमें आप अर्थिंग जोड़ेंगे और जो प्लस माइनस होता है वो आप इसमें जोड़ेंगे एसी करंट का। इसमें मैं फिर बता दूं आपको डीसी करंट नहीं देना है, आप सीधा एसी करंट इसमें कनेक्ट करेंगे और ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इसे लाइन देते हैं ये लाइट फ्लैश करता है। उसके बाद आपको ऐप डाउनलोड करना है, वाईफाई ऑन होना चाहिए, जिस भी वाईफाई से आप कनेक्ट करना चाहते हैं सेम वाईफाई से आपका ये डिवाइस और मोबाइल कनेक्टेड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे वायर के थ्रू इसे जोड़ रखा है। वायर मैंने बहुत ज्यादा लिया क्योंकि मैं इसका व्यू दिखाने के लिए आप लोग को अभी अपने छत पे ले जाऊंगा, ताकि आपको वाइल्ड एंगल में व्यू समझ में आ सके कि क्या पर्पस था कैमरे का, क्या यूज था और क्लियरिटी कैसा दे रहा है, फुटेज कवरिंग क्या है इसका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने केबल से कनेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे हमने सॉकेट में इसे लगाया हुआ है। इसको यहाँ से स्विच दे देंगे तो देखिए लाइट इस तरह से फ्लैश करता है जैसे ही आप स्विच देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में आना है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जो कि मैंने अभी आपको बताया, और ये इसी तरह से बोलता रहेगा जब तक मैं इसे ऐड ना कर लूं। तो ये बोल रहा है वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन, यानी ये वाईफाई के लिए वेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्ले स्टोर के अंदर आएंगे और यहाँ पे आके दोस्तों एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम था इजी कैम प्लस। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से आपको ऐप देखने मिलेगा इजी कैम प्लस, इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे। ओके, वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐप हमारा इंस्टॉल हो चुका है और ये अब ओपन होने जा रहा है। तो यहाँ नीचे ओपन का ऑप्शन आ गया, हम इस पे टैप कर लेंगे। ओके, तो यहाँ सबसे पहले ये स्क्रीन आपके सामने आएगा, ये अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको एग्री कर देना है, यहाँ साइन अप का ऑप्शन दे रहा है नीचे और यहाँ पे लिख रहा है वह अकाउंट। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप इस पे जाएंगे, नहीं तो आपको साइन अप करना है, फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, आपको यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डालना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया, गेट वेरिफिकेशन कोड पे हम लोग टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे एक वेरिफिकेशन कोड उस मेल आईडी पे चला जाएगा जो हमने यहाँ पे फिल किया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आया है कि नहीं हमारे पास। तो यहाँ देख पा रहे इजी कैम प्लस की तरफ से ये मेल हमें आया है, जिसमें ये कोड यहाँ पे दिया गया है जो है 905705। तो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने कोड डाल दिया, जैसे ही कोड डाला यहाँ पे हमें पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी एक पासवर्ड बना देता हूँ, pass@123 कर लेते हैं हम लोग। इसको डन करते हैं, डन करने के बाद आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे गो टू ऐप नीचे ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के साथ ही आप इस जगह पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले एड डिवाइस का ऑप्शन दिया जा रहा है, गॉट इट पे आपको क्लिक करना है, वेलकम है और नीचे यहाँ प्लस का सिंबल है, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको इस कैमरे का मॉडल नंबर लेना है जो कि आपको इसके डब्बे पे मिल जाएगा, और यहाँ यूजर मैनुअल पे भी आप देख रहे लिखा हुआ है F41A, तो ये इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे ये कौन सा कैमरा है, आपको पिक्चर भी मिल जाएगा, सबसे अच्छी बात है आप यहाँ पे पिक्चर के साथ भी देख सकते हैं। देखिए ये वाला कैमरा टच कर लेंगे, नेक्स्ट सेटअप पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है अलाउ लोकेशन एक्सेस टू सर्च फॉर नियरली वाईफाई डिवाइस, तो यहाँ लोकेशन ऑन करने में बोल रहा है, लोकेशन एक्सेस मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों मैसेज आ रहा है टर्न ऑन लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे टर्न ऑन कर देंगे लोकेशन को। टर्न ऑन जैसे करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ अलाउ कर देंगे। जैसे ही हमने अलाउ किया यहाँ पे वाईफाई का नेम ऑटोमेटिक ले लिया है मिस्टर सौरभ सिंह, जिस वाईफाई से ये मोबाइल अभी कनेक्ट है, मैं इसका डाटा ऑफ कर दे रहा हूँ मोबाइल का। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिस्टर सौरभ सिंह वाईफाई से कनेक्ट है हमारा मोबाइल ये वाला, और यही सेम वाईफाई नेम यहाँ पे ऐप ने ऑटोमेटिक उठा लिया है। अब हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना है उस वाईफाई का जिससे अभी ये कनेक्ट है, पासवर्ड डाल के आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह का एक QR कोड खुलेगा जो ये बोल रहा है आपको मोबाइल को कैमरे के सामने रखने के लिए। आप देख पा रहे हैं बोल रहा है मोबाइल को आप इस तरह से मूवमेंट करेंगे कैमरे के पास, तो जो कैमरा है वो ऑटोमेटिक ये QR को स्कैन कर लेगा और ये ऐप में कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो देखिए ये हमारा कैमरा है, अब मैं इसे ये QR दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे QR दिखाया, आप इधर से देखेंगे तो पता चलेगा जैसे ही ये रीड कर लेगा। अभी आपने सुना इसने कहा वाईफाई कनेक्टिंग प्लीज वेट, तो अभी आपने सुना वाईफाई कनेक्शन सक्सेस हो चुका है, अभी तो वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम लोग आई हर्ड अ प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिंग डिवाइस चलने लगेगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे एडिंग डिवाइस आ गया, अब यहाँ पे स्मार्ट कैमरा और स्मार्ट होम आ रहा है दोनों लिख के, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है।
और जो भी नाम आप देना चाहते हैं यहाँ पे आप नाम दे दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे अभी डेमो कर देता हूँ। चलिए, वैसे कैमरा का जो मॉडल है उससे दिखा रहा था, मैंने डेमो करके सेव कर दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। ऊपर में डन लिखा हुआ आएगा ऑप्शन, आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे ये परसेंटेज चलेगा यहाँ पे, जैसे ये 100 होता है ये कनेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, यहाँ पे ऑटो स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पे अपडेट बोल रहा है, ऐप को अपडेट करना चाहेंगे आप, हम इसे फिलहाल कैंसिल कर दे रहे हैं क्योंकि हमें अपडेट नहीं करना। तो जैसे ही हमने कैंसिल किया, देखिए यहाँ पे व्यूज जो है कैमरा का वो चालू हो चुका है। मैं कैमरा को ऊपर करके दिखाता हूँ एक बार, तो देखिए आपको यहाँ से दिखेगा ये जो व्यूज है, अभी हमारे स्टूडियो का व्यू आ रहा है मोबाइल पे और ये मैं हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से व्यूज आपको मिलेगा। नेट के स्पीड पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका स्पीड है नेट का, उस तरह से चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कैमरा को हमने मोबाइल में कनेक्ट कर लिया है और इधर कैमरा भी ऑन है हमारा। एक बार अब इस कैमरे को मैं अभी ऑफ करूंगा क्योंकि ये वायर को हमें इधर विंडो से इन करवाना होगा, तब जाके मैं आपको छत पे इसका व्यू दिखा पाऊंगा। तो रूम में तो खैर समझ में नहीं आएगा, इसलिए चलते हैं सीधे आउटसाइड पे और देखते हैं कि वाइल्ड एंगल में आपको इसकी क्वालिटी कैसी मिलती है। तो चलिए फिर मिलता हूं आपसे छत के ऊपर। तो दोस्तों आपने देखा कि इसका सेटअप कैसे किया जाता है और इसका जो ऐप है उसके बारे में मैंने डिटेल एक वीडियो अलग से कंप्लीट बना दिया है कि उस पे आप यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे ऐड करते हैं डिवाइस को, क्या यूजेस है उसका, कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, पूरा डिटेल में मैंने बनाया ताकि आप उस ऐप को भी यूज करना बखूबी जान सको कि हाँ उसको यूज कैसे करना है, क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो उसके लिए मैंने सेपरेट बना दिया, ये वीडियो था इसका सेटअप का, आपने देख लिया सेटअप कैसे करते हैं। कुछ डाउट रह जा रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, कमेंट कर दीजिएगा, आगे मैं सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल तो सेलेक्ट करना ही है आपको, तभी तो मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।